द्वार नहीं है, ये तो बद्रीनाथ का रास्ता यहां से शुरू होता है, ये हरिद्वार है। अब बैठे बैठे वो एक पक्ष हो गया, बोले ये हरिद्वार है, यहां से केदारनाथ का रास्ता जाता है, हरिद्वार है। और दूसरे वैष्णव बोले चुप रहो, हरिद्वार हरिद्वार, सुल्फे फूंकने से हरिद्वार होता है क्या? ये तो हरिद्वार है वैष्णवों का। अरे बोले ये शैवों का है। और किसी ने मसाला डाल दिया, भिड़े दो पार्टी। तो साधुओं में सब थोड़ी भिड़ने वाले होते, बहुत साधु। अरे भाई भिड़े काहे को, कोर्ट में डाल दो, जैसा न्यायालय फैसला करे। अब वो अंग्रेजों का शासन था, तो शैव पंथ थी वैष्णव पंथ थी, दोनों टोले के अगवानों ने सरकार निर्णय करे। अब वो अंग्रेज तारीख डालते 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 कई वर्ष तो उनको लेफ्ट राइट कराया। फिर उसने जजमेंट दिया कि दिस प्लेस रियली इज नॉट हरिद्वार एंड नॉट हरिद्वार, दिस प्लेस रियली, सचमुच में ये जगह क्या है कि यहां लोग हड्डी डालता है। दिस प्लेस इज रियल नेम इज हरिद्वार। हराम जादे अंग्रेज। उसने जजमेंट में लिख दिया कि ये हरिद्वार है, हरिद्वार भी नहीं हरिद्वार भी नहीं, हरिद्वार। लेकिन आज तक एक हिंदू भी हरिद्वार नहीं गया, जब भी गए तो हरिद्वार ही गए। हाँ, कभी हरिद्वार जाने का सोचा क्या? कानून मोड़ तोड़ के हमारी ये तीन संस्कृतियों को तो इन्होंने धकेल दिया, लेकिन हिंदू संस्कृति के लिए हरिद्वार को हरिद्वार जजमेंट दे दिया। लेकिन वो तुम्हारे कोर्ट में ही पड़ा रहे। प्रयागराज को इलाहाबाद नाम दे दिया और अयोध्या को फैजाबाद नाम दिया, लखनपुर को लखनऊ दे दिया। ये बाहर के आप सभ्यता के कुछ भी रखो, लेकिन संस्कृति तो अपने आप में ज्यों की त्यों है। चीन की दीवाल मशहूर है, कोविद का पेट्रोलियम मशहूर है, अमेरिका के अभागे डॉलर मशहूर, लेकिन भारत की संस्कृति ब्रह्मांड के लोगों का भला करने में अभी भी मशहूर है। और किसी सभ्यता में भगवान का अवतार नहीं होता, भारतीय संस्कृति में ही भगवान का अवतार होता है, जिससे तुम बात कर सकते हो, जिसको तुम छू सकते हो। निराकार भगवान तो है, लेकिन साकार भगवान। और मूर्ति में दूध भी पी लेते हैं, मूर्ति से प्रकट भी हो जाते हैं, यह तुम्हारी संस्कृति की महानता है, इसलिए आपको प्रणाम करते हो। भूदेवाय नमः। हमारी भारतीय संस्कृति। बच्चों को ये पुस्तक जरूर पढ़ा, अभी मैं आपको देता हूं। भारत के संतों ने कहा होता तो बोलते तो ये तो भारत के संत है, तो भारत की संस्कृति की महानता का वर्णन करेंगे। ये विदेशी बड़े बड़े शोपनहार, शेक्सपियर और बड़े बड़े विद्वानों ने 80 साल की उम्र, एनी बेंसन कहती है कि मैंने दुनिया के सारे मजहब धर्म देखे, लेकिन हिंदू धर्म हिंदू संस्कृति के बराबर और कोई नहीं। तो ये पुस्तक आपको मैं दूंगा, इसका आप छपाकर भगवान के नाम से दूसरों को देना, ताकि आने वाली पीढ़ियों की सेवा हो जाएगी। ये मेरे तरफ से इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन जो विद्वानों ने कहा है, विदेशी विद्वानों ने और गांधी जी ने, उनके ये अनुभव के वचन है। अपनी संस्कृति की रक्षा अपन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आई लव यू करके 13 साल की लड़की से 19 साल की लड़कियां 12,50,000 गर्भवती हो जाती, वो सभ्यता है, उनका कल्चर है। हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं है। सुरपंखा ने कहा था लक्ष्मण जी को, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ। लक्ष्मण ने कहा, हमारी संस्कृति में वैश्यावृत्ति, तू इधर आ, नाक काट दिया, कान काट दिया, जा रावण को दिखा। और उसको जाके रावण को भड़काया कि सुंदरी तो सीता जी, उसके बिना तेरा लंका असुंदर है। तो सीता जी को तो ले आया, लेकिन सीता जी के पातिव्रत में रावण डिस्टर्ब नहीं कर सका, एक तिनखा रख दिया राम जी के नाम से, रावण उसका शील भंग नहीं कर सका। ये हमारी संस्कृति है, नहीं तो इतना बड़ा रावण की लंका और एक अबला। लेकिन देखो संस्कृति का कितना प्रभाव।
अब आप मेरे को तो देर भी हो रही है, लेकिन एक संस्कृति का अभी छोटा सा दृष्टांत देता हूं। एक शांडिली नाम की लड़की अनुष्ठान करने गई पर्वत पर, गालब ऋषि और गरुड़ जी पसार हुए, उसको देखा और लड़की का आतिथ्य स्वीकारा। लड़की जितनी रूपवान सौंदर्यवान थी उतनी सूझबूझ की धनी थी। गालब ऋषि का मन पिघला कि ये लड़की यहाँ रहने के लायक नहीं, तो साक्षात लक्ष्मी रूपा है, भगवान नारायण को मैं कन्या दान करूं। लड़की के आगे प्रस्ताव रखा। लड़की ने कहा महाराज मैं अनुष्ठान करने का आई हूं, अपनी संस्कृति का सार तत्व है ब्रह्म आत्म साक्षात्कार, वो मुझे करना है। भगवान नारायण जिससे नारायण है वो आत्मा मेरा नर नारी कायन है, मेरे को शादी विवाह के लिए आप नहीं कहना। दोनों ने आपस में गुफ्तगू की, मशवरा किया, चलो हम आज रात इधर रहेंगे, संध्या हो गया तुम्हारे मेहमान बनते, सुबह को जाएंगे। अच्छा है, आप रात को मध्य रात्रि को गालब ऋषि दबे पैर शांडिली के गुफा में गए, तो शांडिली योग निद्रा में सोती थी, वो मैं आपको सिखाऊंगा, मैं करता हूं ऐसा, उसे बहुत लाभ होता है। नींद को योग निद्रा बना दो और कर्म को कर्म योग बना दो, आपकी संस्कृति दोनों हाथ में लाड दो, यहां भी मुक्त और मरने के बाद भी मुक्त। ऐसा खजाना मैंने कई प्रकार की योग साधना ये भक्ति भक्ति सब किया। बचपन में काली की उपासना, काली दिखती तो मैं डर जाता, चादर ओढ़ता। ये आपके भगवान इष्ट देव सब खूब खूब यात्राएं की, अलग अलग किस्म के वैष्णव धर्म की। तो शांडिली योग निद्रा में थी तो जल्दी जल्दी महाराज एक कुंवारी कन्या की गुफा में मध्य रात्रि को आना और अनुचित ढंग से आए हो, आपके आंख में काम विकार तो नहीं था लेकिन आपके मन में है कि मैं जबरदस्ती इसको उठाकर ले जाऊं और भगवान नारायण को अर्पण करूं, तो किसी की कन्या उठाकर अर्पण कर देना, ये अपहरण का काम आप करोगे तो प्रकृति आपको ये हमारी संस्कृति क्या क्या दिखाएगी देखो। मैंने कभी भी विवाह की इच्छा न रखी हो और आत्म संस्कृति का साक्षात्कार की इच्छा हो, ये बात सत्य है तो ये संस्कृति से खड़े साथ पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सूर्य चंद्र इस गवाही के लिए अपना परिचय देंगे इन गरुड़ जी और गालब जी ऋषि को। भूमंडल तूफान साइक्लोन, साइक्लोन यू अंडरस्टैंड, साइक्लोन चल, पेड़ पौधे गरुड़ की पंखे उड़ने लगी, गालब हवा तूफान में भूमंडल में अभी उड़ के कहीं गिर जाएंगे क्या हो, धरती पकड़े देखा कुछ भी नहीं आ रही, ये क्या हो गया, अकाल बिना कारण के प्रलय हो रहा है, देखा कोई चारा नहीं। शांडिली शांडिली पाहिमा संत ये क्या करते हैं, हे वायु देवता क्षम्यता। शांत हो गया गालब और गरुड़ ने वरदान दिया कि अब कोई कन्या या कोई महिला अपने को अबला न माने, इसलिए आज का वरदान इस पर्वत का नाम तुम्हारी इस तपस्या से संस्कृति की महानता का दर्शन कराने से इस पर्वत का नाम गलता तीर्थ रखेंगे। जीपीओ जयपुर, जीपीओ से 15-17 किलोमीटर दूर, मेरे आश्रम से 3 किलोमीटर दूर जयपुर में गलता तीर्थ है, कभी जाओ तो देखना। एक कन्या ने संस्कृति का आदर किया तो कैसा, अभी आप ये देख भी सकते हैं। गलता तीर्थ, गलता ऋषि जी का मंदिर भी है, गालब ऋषि का दिख रहा है आपको टीवी में, दिख रहा है गलता तीर्थ, थोड़ा टीवी इधर कर दो संतों को दिखाओ, गलता तीर्थ दिख रहा है आपको, जिसकी कथा सुने उसका दर्शन कर लो।
गुरु ने आज्ञा दी, अनुष्ठान किया। अभी बालाजी का भी करेंगे, इधर देखना। अभी 167 देश देख रहे हैं, 167 देशों में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। आज 7 तारीख है, 9 तारीख 51 देशों में जो भी पहलवान है उनको चैलेंज करने वाला राजीव तोमर पहलवान, मैंने मेरे शिष्य पहलवान था उसको मैंने कहा कि पहलवानों की को आमंत्रित करो, तो 50 पहलवान दौड़े दौड़े आएंगे 8 तारीख, 9 तारीख को उनकी कुश्ती होगी, उसमें कई प्रसिद्ध राष्ट्रपति से सम्मानित पहलवान भी है। और राजीव तोमर ने तो कहा कि बाबा मेरे नाम से पूरे एशिया के पहलवानों को संदेश आ जाए कि कोई भी राजीव तोमर से कुश्ती करना चाहते तो वेलकम। 51 देशों में एशिया खंड में वो पहलवान इधर आएगा। आप 500-500 रुपए की टिकट लोगे, साधुओं के 500 की टिकट काया करो, और साधुओं को भी नहीं और भक्तों से भी नहीं, ऐसे ही दिखवाएंगे। आश्रम सब करेगा व्यवस्था। कुल 167 देशों में ये लाइव टेलीकास्ट दिख रहा है। अमेरिका, कनाडा, यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, सऊदी अरब, जर्मनी, नेदरलैंड, इटली, हांगकांग, ओमान, मॉरिशस, पेरू, कई देशों के नाम, 167 नाम नहीं लूंगा, सभी को शाबाश है, धन्यवाद है। लेकिन 9 तारीख परसों हो सका तो इस समय पहलवानों की कुश्ती भी 167 देश देखते रहेंगे, ऐसा भी हम जमाएंगे, कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान के लोग तो देखेंगे दोपहर के समय सत्संग में, हम जल्दी आएंगे फिर 12 की संध्या करके 12 से 1:30 बजे तक कुश्ती कुश्ती करेंगे। अभी भी तो 2 बज गए। अब खजूर भिगा दे और सुबह दूध में मिला के खजूर खाएं तो खून बढ़ता है, वीर्य बढ़ता है, बल बढ़ता है, ओज बढ़ता है। होली के बाद खजूर नहीं खाना चाहिए, और होली के दिन में केमिकल के रंगों से होली नहीं खेलना चाहिए, बहुत नुकसान होता है। काले रंग में लेड ऑक्साइड पड़ता है जो किडनी खराब करता है। वो जो सभी रंगों में कोई न कोई ऐसा केमिकल पड़ता है जिससे किसी से कैंसर होता है। काला रंग बनता है ना, तो आंवले का पाउडर पानी में भिगा दो लोहे के बर्तन में काला रंग, वो फायदा करेगा। लेकिन बाजारू केमिकल का काला रंग बीमारी देता है, किडनी कमजोर कर देगा। हरे रंग में कॉपर सल्फेट पड़ता है जो आंखों में जलन और आंखों को कमजोर करता है। सिल्वर रंग में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है जो कैंसर की बीमारी देता है। नीले रंग में प्रूसियम ब्लू पड़ता है जो चर्म रोग देता है। लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फाइड पड़ता है जो त्वचा को कैंसर देता है। बैंगनी रंग में क्रोमियम आयोडाइड पड़ता है जो दम्मे की बीमारी देता है। लेकिन पलाश के फूलों से, बालाजी भगवान को भी होली खेलो तो पलाश के फूलों से, भगवान प्रसन्न होंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। ये केमिकल का रंग भगवान को नहीं लगाना, अशुद्ध है। भगवान हमको शुद्ध करे, और हम केमिकल से भगवान को अशुद्ध काय को करेंगे। जय जगन्नाथ, जय वाह। एक कुंभ का मेला इधर इकट्ठा हो गया है, रेलगाड़ी जल्दी आओ, मैं आता हूँ कुंभ मेले वालों को रूबरू होने को। अभी रेल मारने के लिए राग पहाड़ी, सुरेश भैया गाते हैं नित्य नवीन रस, राग पहाड़ी वापिस गाएंगे। मोटे मोटे लोगों को फैट कंट्रोल करने के लिए तुलसी होम्योपैथी गोली दो दो सुबह दोपहर शाम, मोटापा कंट्रोल। पतले लोग हैं तो खाएंगे तो पतले भी पतलापन कंट्रोल ठीक ठीक हो जाएंगे। तुलसी में 800 बीमारी दूर करने की ताकत है। और इनको वो
तुलसी टैबलेट प्रसाद रूप में एक एक बोतल देना है मेरे तरफ से। फैट कंट्रोल दूसरा भी उपाय है। यो वैताम ब्रह्मणो वेदा अमृतेनाम दामपुरीं तस्मै ब्रह्मज ब्रह्माज आयुः कीर्तिं प्रजां ददुः प्रेक्षान्ताय कल्याणधये नेत्रिणां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। 167 देशों में आपका स्वागत पहुंच गया। अब मैं आता हूं थोड़ा वो कर लेंगे कभी संचालक से मैं। ये आप लोग आपका स्वागत हमने स्वीकार किया। ये तुलसी बहुत फायदा है सात्विक है परस्पर भाव तो। हम एक बार अभी थोड़ा आप देखना दो दो गोली दोपहर सुबह शाम ऐसे हाथ में नहीं चूसना। फैट कंट्रोल इधर सुगंधिम पुष्टिवर्धनम आप साधुओं का स्वागत करते हैं। देखो संतों के पास जाता है प्रसाद। राग पहाड़ी मोबाइल फोन की मुसीबतों को टक्कर मारने वाली जीवनी शक्ति जगाता है राग पहाड़ी। भागवत और वेदों में है सत्संग की भारी महिमा। भागवत और वेदों में है सत्संग की भारी महिमा। योगी ने वो सत्संग देकर जीवन सफल किया। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जहां भी जाए खुशियां लाए ये भंडार सुखों का। जहाँ भी जाए खुशियाँ लाए ये भंडार सुखों का। खेल खेल में अंत है करता जोगी सारे दुखों का। खेल खेल में अंत है करता जोगी सारे दुखों का। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे।
चलाया, तूने कैसा जादू चलाया, दुख चिंता को भगाया ओ जोगी, दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी, जोगी रे क्या जादू है तुम्हें प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोगी। पर्व का पावन अवसर पुण्य योग है आया, कुंभ पर्व का पावन अवसर पुण्य योग है आया, तन मन उसका पावन जिसने मन जोगी में लगाया, तन मन उसका पावन जिसने मन जोगी में लगाया, ओए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जादू है तुम्हारे जो में, जोगी की महिमा का कोई पार नहीं है पाए, जोगी के दर पे ही देखो भक्ति का दरिया लहराए, जोगी के दर पे ही देखो भक्ति का दरिया लहराए, के पुंज है ये भरे है सब में साहस, मेरी ये हिम्मत ताकत इनसे डरती हर आफत, शक्ति के पुंज है ये भरे है सब में साहस, मेरी ये हिम्मत ताकत इनसे डरती हर आफत, संकट को संकट हो जाए इनके निकट जो आए, संकट को संकट हो जाए इनके निकट जो आए, भक्तों के है महाकाल सबको निर्भय बनाए, भक्तों के है महाकाल सबको निर्भय बनाए, दुनिया में ऐसा हितेशी कोई नहीं है, जोगी के द्वार जैसा कोई दरबार नहीं है, सारी दुनिया में ऐसा हितेशी कोई नहीं है, जोगी के द्वार जैसा कोई दरबार नहीं है, जोगी जैसा परम हितेशी ना जग में है दूजा, जोगी जैसा परम हितेशी ना जग में है दूजा, सारी उम्र करूं मैं इनकी ही सेवा पूजा, सारी उम्र करूं मैं इनकी सेवा पूजा, जोगी ने ही संवारा जोगी ने ही उबारा, नैया भंवर में फंसी थी जोगी ने दिया किनारा, जोगी ने ही संवारा जोगी ने ही उबारा, नैया भंवर में फंसी थी जोगी ने दिया किनारा, मेरे साहिब मेरे मालिक शाहनशाह यही है, तीनों लोगों से है न्यारे इंसाना कोई कहीं है, तीनों लोगों से है न्यारे इंसाना कोई कहीं है, We'll be right back.
दर रहमत की बरसात होती है। मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है। जग से निराला है, गहरा प्रेम तुम्हारा है, ये जग से निराला है। आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है। आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है। नाता इनका निराला सदा ही साथ रहेगा। अब तो ये दिल भी मेरा जोगी जोगी कहेगा। नाता इनका निराला सदा ही साथ रहेगा। अब तो ये दिल भी मेरा जोगी जोगी कहेगा। इनका पाकर हर कोई है झूमे, हो पावन दर्शन इनका पाकर हर कोई है झूमे। आज्ञा इनकी जो माने उसके चरण सफलता चूमे। आज्ञा इनकी जो माने उसके चरण सफलता चूमे। सुरेश भैया नित्य नवीन रस रात पहाड़ी वापिस नित्य नवीन। मंगलकारी जग में जोगी नाम तुम्हारा है। ओ हो मंगलकारी जग में जोगी नाम तुम्हारा है। तेरा प्यार है जिस दिल में जोगी वो तारने वाला है। तेरा प्यार है जिस दिल में जोगी वो तारने वाला है। सबके आधार यही है जीवन का सार है। ओ सबके आधार यही है जीवन का सार है। ज्योतियों की ज्योत है ये स्वयं ओमकार है। ज्योतियों की ज्योत है ये स्वयं ओमकार है। लग जाए ये जीवन बस इनके सेवा सुमिरन में। लग जाए ये जीवन बस इनके सेवा सुमिरन में। भक्ति रहे अखंड तेरे चरणों में। ओ जोगी भक्ति रहे अखंड तेरे चरणों में। है सबको मिले सच्चा प्यार है। ओ शांति मिलती है सबको मिले सच्चा प्यार है। दुखियों के दुख है मिटते महिमा अपार है। ओ दुखियों के दुख है मिटते महिमा अपार है। सार्थक है मेरा जीवन जोगी बस तेरे चिंतन में। सार्थक है मेरा जीवन जोगी बस तेरे चिंतन में। श्रद्धा रहे अखंड तेरे। ओ जोगी श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। नजर जोगी की निराली इन्होंने जिस पर डाली। मांगे बिन समझो उसने सारी खुशियां है पाली। नजर जोगी की निराली इन्होंने जिस पर डाली। मांगे बिन समझो उसने सारी खुशियां है पाली। मेरी पूजा और भक्ति मेरा संसार यही है। ओ
मेरी पूजा और भक्ति मेरा संसार यही है। साथ कभी भी ना छोड़े वो जीवन आधार यही है। भाग्य बनाए एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यार टिकने पाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। होती है बुद्धिगत, तो बुद्धिगत सभ्यता में मत मतांतर होते हैं, लेकिन सनातन में सनातन नियम काम करते हैं। जैसे ग्रह नक्षत्र राशियों के अनुसार प्रयागराज का कुंभ होता है, वैसे ही चारों जगह पर जो कुंभ होता है वो सांस्कृतिक है। इसमें ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, भूमि का प्रभाव, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारा वतिश्चैव सप्तैता मोक्षदायका, ये संस्कृति है। इन भूमि ये सात जगह हैं मुक्तिदायी हैं, और जगह वात पीत कफ त्रिदोष होता है, लेकिन ये सात जगहों पर त्रिदोष नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य लाभ तो होता है, लेकिन जब कुंभ होता है या पर्व होते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे अमावस्या और पूनम, तो अमावस्या पूनम पति पत्नी का सहवास से विकलांग संतान पैदा होती है। ये संस्कृति का सिद्धांत है, किसी व्यक्ति का समाज का नहीं है। चाहे अमेरिकन व्यक्ति ये करे चाहे हिंदुस्तान का करे, ये संस्कृति सर्वव्यापिनी होती है। और संस्कृति का प्रभाव प्राणी मात्र पर पड़ता है, जीव मात्र पर पड़ता है। जैसे पूर्णिमा को और अमावस्या को समुद्र में भरती ओट होती है, अथवा होली के दिवसों में के बाद गर्मी होती है, और गर्मी में पलाश के फूलों का रंग छिटकने से गर्मी झेलने की और समता बढ़ाने की शक्ति आती है, लेकिन केमिकल के रंगों से हमें हानि होती है। बैंगनी रंग में ये होता है वो होता है, ये आज बता देना है इनको, तो इस केमिकल के रंगों से हानि होती है। तो ये सांस्कृतिक पद्धति है कि जिससे मानव को हानि ना हो उस बात को समझे, और जिनसे हानि हो उन बातों से बचे। आत्म प्रतिकूलानी परेशान न चरित, ये संस्कृति है। अब मैं नहीं चाहता हूँ मेरी चोरी कोई करे तो मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे कोई हानि पहुँचाए तो मेरे को किसी को हानि नहीं पहुँचाना चाहिए, ये सांस्कृतिक सिद्धांत है। ये सिद्धांत किसी भी देश में रहने वाले को लगता है। नारायण नारायण। हाँ, विदेशी लोग भी हमारी भारतीय संस्कृति की तरफ काफी रुझान उनका बढ़ गया। इस महाकुंभ में देखा जा रहा है कई देशों से लोग आए हैं और यहाँ गंगा जी का स्नान कर रहे हैं। ये विदेशियों के इतने महत्व बढ़ने से, और 14 फरवरी को आपने वैलेंटाइंस डे की जगह मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए आह्वान किया, इसके पीछे क्या तात्पर्य है? हाँ, तो देखिए ये संस्कृति है कि बच्चे के शरीर में सात केंद्र होते हैं, और वही बच्चा बड़ा होता है तो सातों केंद्र विकसित होते हैं। तो जन्म से लेकर 7 वर्ष तक उसका मूलाधार केंद्र विकसित होता है, 7 से 14 साल तक उसका स्वाधिष्ठान केंद्र विकसित होता है भावना वाला, और 14 से 21 साल तक मणिपुर केंद्र विकसित होता है बौद्धिक केंद्र। अगर उनको 13 साल की उम्र में 15 साल की उम्र में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चस्का लग जाता है तो संस्कृति से विकृति होती है, और संयम होता है तो सुसंस्कृत बनते हैं। 12,50,000 कन्याएं गर्भवती हो जाती है, ये संस्कृतिक जीवन नहीं है, विकृतिक जीवन है। और 5,00,000+ अबोर्शन कराती है, बाकी की माँ बन जाती है समाज पर, सरकार पर, आदि आदि पर बोझा। तो उसकी जगह पर हमने संस्कृति शुरू की, माता पिता का पूजन करना, ये संस्कृति है।
और कुंवारे कुंवारी एक दूसरे को स्पर्श करना, फूल देना, ये विकृति है। तो विकृति से मानव का पतन होता है, संस्कृति से मानव सदाचारी होता है, संयत होता है। तो अपने बच्चों में संस्कार पढ़ते हैं तो बच्चों पर ऐसे ही माँ बाप मेहरबान होते हैं, लेकिन बच्चे जब माँ बाप का आदर संस्कार करते हैं तो संस्कृति का मूल तत्व जो चैतन्य है बच्चों पर बरसता है और बच्चे नेक होते हैं। और जो विकृति जीवन जीते हैं तो उनके माँ बाप नर्सिंग होम में, अनाथ आश्रम में अथवा बुढ़ापे पे कहराते रहते हैं। तो मैंने वैलेंटाइन डे के बदले मातृ पितृ पूजन दिवस का आह्वान किया और पिछले 7 वर्षों से होता होता इस बार 14 फरवरी को 167 देशों में मनाया जाएगा। और छत्तीसगढ़ सरकार ने तो 2012 में घोषणा भी कर दी कि हमारे छत्तीसगढ़ में वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाएगा, स्कूलों में मातृ पितृ पूजन दिवस उन्होंने मनाना शुरू किया। शिवराज सिंह ने भी मेरे को फोन पर वचन दिया कि हम भी ऐसा करेंगे और लोग भी देशवासी भी करेंगे। तो संस्कृति से तो हम तो चाहते ईसाई भी सुखी हो, पारसी भी सुखी हो, सभी सुखी हो, सभी के बच्चे नेक हो। तो संस्कृति सभी की नेकी और सभी की भलाई चाहती है। ये आपका आह्वान विदेशियों के लिए भी है, सभी के लिए, विश्व मानव के लिए है। स्वामी जी, आस्था ने इस कुंभ में 12 वर्ष पूर्ण किए, आप आस्था के चैनल को और उसके दर्शकों को। आस्था ने 12 वर्ष पूर्ण किए हैं। आस्था तो संस्कृति है, नास्तिकता विकृति है। भगवान करे कि आस्था के कार्यकर्ताओं की आस्था और मजबूत होती रहे और दर्शकों की भी संस्कृति के प्रति आस्था बढ़ती रहे। नारायण नारायण हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, पूर्णदेवाय पूर्णदेवाय, माधुर्य देवाय माधुर्य देवाय, प्रभु देवाय प्रभु देवाय, मम देवाय मम देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के विषय में हम बता रहे थे और पहलवान हाजिर हो गए, आ गए गुरुद्वार पे। और इन पहलवानों के, राकेश पहलवान इधर जरा थोड़ा हाँ, अभी ये कूद के दिखाएंगे, मैंने तो इनकी नकल की थी, असली में कूद के दिखाएंगे। ए उधर उधर थोड़ा ए देखा, इनके साथ ही आएंगे राजीव तोमर, 51 देश एशिया खंड में सबको उन्होंने ललकारा है। कोई भी कुश्ती करने राजीव तोमर से आ जाए, उनको ललकारा है। ऐसे इनके मित्र हैं राजीव तोमर और दूसरे भी दबंग दबंग पहलवान। 9 तारीख को कुंभ में जो संयमी जीवन, स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन जीने वाले संस्कृति के प्यारे पहलवान कुंभ के भक्तों को भी अपना कला कौशल्य और संयम का संदेश देंगे और 167 देशों में लाइव टेलीकास्ट होगा। और मैं चाहता हूं कि संस्कृति के अनुसार संयमी सदाचारी जीवन जीकर तन तंदुरुस्त, मन प्रसन्न, बुद्धि में बुद्धिदाता का ज्ञान ध्यान बढ़ाने वाले पहलवानों को भी लोग स्नेह से देखते जाएं, पहलवानों का भी सम्मान और इज्जत आबरू बढ़े, इस हेतु से ये प्रोग्राम हमने यहाँ आयोजन किया और वो सफल हो के ही रहेगा। एक ये हुआ, दूसरा भी करेंगे, स्नेह से संत सम्मेलन करते ऐसे पहलवान सम्मेलन करेंगे। अरे जरा राकेश देखो तो, राकेश जी को दो, अपने पुराने साधक हैं, इनको दो जरा अनुभव की बात, अभी भी बताएंगे 9 तारीख भी बताएंगे। माइक दो। हरिओम। ये आए हैं गोरखपुर से। गोरखपुर से सबसे पहले मैं बापू के चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों की बहुत दिन से इच्छा थी कि बापू के सामने कुश्ती हो, क्योंकि जो युवा आज भटक रहे हैं उनके बापू के सामने कुश्ती हो जाएगी तो कुश्ती का भी भला होगा, पहलवानों का भी भला होगा और हमारे साधक ये अपने बच्चों को पहलवानी कराएंगे तो कम से कम स्वस्थ पहलवानों को देखेंगे,
तो उनको अब स्वास्थ्य के प्रति अभिरुचि पैदा होगी और वो व्यायाम के प्रति अपने बच्चों को प्रेरित करेंगे। ये हमारे बापू की असीम कृपा है। कुश्ती का तो भला होना ही होना है, पहलवानों का भी भला होगा और हम आपके बच्चों का भी भला होगा। क्या बात है। और ये तो केवल आप, आपके बच्चों का तो भला होगा, बापू के बच्चों का भी भला होगा। और ये 9 तारीख को तो बापू की कृपा है, ये केवल कि बापू ने हाँ कर दी। हम पहलवानों की तो इच्छा है कि बापू के अवतरण दिवस पर एक बहुत बड़ी दंगल हो। अच्छा, अब ये आपके चरणों में निवेदन है। बाकी हम लोग तो आपके केवल ये सांस भी है, आपकी है। इशारे आज्ञा से भागते भागते आए, दौड़े दौड़े आए, आते भी रहेंगे। ये तो सौभाग्य है। कहाँ सेवा मिलती है, कहाँ कौन। गोरखपुर से आया हूँ पूरे परिवार सहित, और हम लोगों का तो कुंभ और सब कुछ ब्रह्मा विष्णु में सब साक्षात हैं, क्योंकि इन्हीं आंखों से हमने देखा है रामेश्वरम में कि हमारे बापू वहां पर शिवलिंग हट गया और बापू हमारे साक्षात विराजमान थे वहां पर। शंकर जी ने स्पष्ट कहा कि ये पत्थर में भगवान तब तक खोजते हो जब तक असली नहीं मिलेगा। असली भगवान को छोड़ के क्यों पत्थरों में भटक रहे हो। और बापू को हमने साक्षात दर्शन किया है। बापू हमारे साक्षात शिव हैं। हम पिछले कुंभ में एक हम पिछली बार बताए भी थे कि बहुत सारी अनुभूतियां हैं बापू ने, जो राकेश सिंह पहलवान कभी आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा था, बापू ने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। हमने जब दीक्षा लिया था दिल्ली में तो मैं कहता था ना 50% ठीक हो गया, लेकिन हमारा दूसरा साइड जो है हमारी पत्नी, क्योंकि हम लोगों में ऐसा वो चलता था, पता नहीं क्या बात थी कि मैं अपने घर के अंदर जब जाता था तो मैं लगता था बाहर से जैसे आँच आ रहा है, एकदम गेट पर खुलते ही एकदम महसूस हो आँच कि मैं अब जल जाऊंगा। बाहर रहता था तो मैं ठीक रहता था, घर के अंदर पहुंचता था तो 75% आँच आग में बदल जाती थी। और जो हमारी धर्मपत्नी सामने आती थी तो ऐसे मन करता था कि जैसे मैं अपने मकान में तीसरे तल्ले पर रहता था, तो कोई अच्छी बात भी करे तो मेरा मन यही करता था इनको उठा के नीचे फेंक दें, यहां से ये मर जाए। और वो भी उनके दिमाग में भी ये खुल के अपने गुरु के सामने कोई बात नहीं छिपानी चाहिए, तो उनके मन में भी यही आता था, इससे ज्यादा उनको गुस्सा होता था, लेकिन मजबूरी थी तो, लेकिन उसकी मजबूरी थी पहलवान के आगे हाथापाई नहीं कर सके। तो यही ये ठीक बात है। हो गया, हम पिछले महाकुंभ में यहीं पर हम लोगों ने फिर से दीक्षा ली। हमारे एक साधक भाई थे जो गाड़ी में वो साहित्य वगैरह बेचते बेचते गोरखपुर गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं आप पति पत्नी फिर से दीक्षा लीजिए और मंत्र पुष्ट होता है। तो मैं यहीं पर, यही स्थान है बापू का, यहाँ पर हम लोगों ने दीक्षा दिया और वह जो 50% गड़बड़ था वो 100% होकर के हमारी पत्नी भी आई हुई है साथ में। आज अभी हम लोग सीधे भागते, सारी गड़बड़ भाग गए। ये सब गुरु भगवान की हमारी कृपा है, हमारे गुरु भगवान की असीम कृपा है ये। लेकिन ये भी बताओ, आए थे तब ऑटो के पैसे नहीं थे, अभी ऑटो शोरूम के मालिक और क्या क्या के मालिक भी हो गए। ये सब तो कुछ नहीं बापू, ये सब तो आपके केवल कृपा जिसके पर हो जाती है और कोई बचा नहीं है बापू। ये जितने बैठे हैं ये हम मानो स्वभाव, हम सब स्वार्थी हैं, जब तक स्वार्थ पूरा नहीं होता हम लोग पीछे नहीं घूमते हैं। ये तो आप जैसा है कि डंडा मार के भी बुला लेता है। हमने बताया ये बात कि जब ऑटो का पैसा बापू 96 में गोरखपुर जब बापू पधारे थे तो मेरे पास एक दिन मैं रिक्शे से अपने परिवार को भेज दिया था, लेकिन मेरे पास पूरे समय पैसे नहीं हो पाया कि मैं जाऊं, मैं भी वहां पर दर्शन कर लूं बापू के। और ये बापू की कृपा है कि आज ऑटो एजेंसी का मालिक बना दिया है। देख ले जादू है, ऑटो के पैसे नहीं दे कराया क्या ऑटो एजेंसी के मालिक। बापू डंडा मार के बुला लेते हैं, मेरा लड़का अभी कल आएगा, दोनों लड़के कल आएंगे, छोटा लड़का उसके कमर में स्लिप डिस्क हो गया और ऐसा हो गया कि दोनों पैर सुन्न होने की स्थिति आ गई, सुन्न होने लगे और कुछ हम लोग को सूझ नहीं रहा था। लखनऊ में दिखाया गया और वहां पर डॉक्टर से सब हो गया, ऑपरेशन होगा। कई डॉक्टरों ने मना किया कि ऑपरेशन मत कराइए, पूरा सफल नहीं होता है, जिंदगी बेकार हो जाती है, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन बापू 2009 में बापू गोरखपुर पधारे, मैंने बापू चरणों में निवेदन किया कि चलो, बापू ने कहा चल ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बापू ने कह दिया ऐसे कि चल ठीक हो जाएगा। जिस दिन ऑपरेशन का डेट था उसके एक दिन पहले बापू ने मुझे प्रेरणा दी कि तू फला व्यक्ति को इसको दिखा दे। मैं अपने बच्चों से बात किया, चूंकि पूरा परिवार दीक्षित है तो बच्चे कहे नहीं बापू ने प्रेरणा दी है तो दिखा देने में क्या लगना है, नहीं तो ऑपरेशन तो विकल्प ही है।
हम बच्चों को लेकर के गए वहां पर, उस व्यक्ति को दिखाया, उस व्यक्ति ने हल्का सा नस उस खींचा, थोड़ा सा एक्सरसाइज बता दिया, मेरा बच्चा एकदम स्वस्थ हो गया, ऑपरेशन टल गया। और उसके बाद डंडे वाली बात सुन लीजिए। अच्छा। तो बापू की मौज है, नहीं तो हमसे ज्यादा मोटे लंबे चौड़े लोग घूमते रहते हैं। बापू की कृपा है कि बापू बुला लेते हैं, ये हम उनकी असीम कृपा है। ये शरीर है यहाँ पर और सांस चल रही है, ये हमारे बापू की कृपा है। फिर उस बच्चे की शादी तय हुई कानपुर में, बापू का सत्संग था, मैं वहीं बैठा था। ऐसे तीन चार जगह शादियां बातचीत चल रही थी, एक जो सबसे साधारण व्यक्ति थे वो हमको वहीं पर प्रेरणा हुई कि उनसे वहीं शादी करना। मैं तुरंत वहां से गया होटल, होटल में फोन किया उनसे कि आप, मैं फला तारीख को आ रहा हूँ, आप आइए और दिन तय करिए। और शादी तय हो गई, कार्ड छप गया जल्दी जल्दी में। फिर हमारे गांव से, गांव में चूंकि खेती बाड़ी है तो वहां से गांव से गेहूं आया था, और धो करके जो महिलाएं धो के तैयार करती हैं, करके धो के सुखा के रखा गया वो गेहूं। और जब सुबह खोला गया उसको, और मैं तो नियम पर बैठा था, और श्रीमती हमारी खोली तो देखते ही वो हो गई और आके हमारे पीछे खड़े हो करके और जोर जोर से रोने लगी, एकदम भाव विभल होके। हम कहे क्या हो गया, तो फिर बहुत देर बाद नॉर्मल हुई और कहीं कि ये देखिए ऐसे ऐसे चमत्कार हो गया और लड़का ठीक हो गया, बापू के सामने हाजिरी नहीं लगाए, शादी कर रहे हैं। और कार्ड हम होता भी, हम लोग का मानव स्वभाव है ना कि जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो बापू के फोटो के सामने ये कार्ड और रख करके कहते हैं हो बापू अब ध्यान दीजिएगा, जबकि बार बार हाजिरी लगानी चाहिए। हमने देखा कि श्रीमती जी हमारी रोने लगी और कहने लगी कि आप तुरंत जाइए, बापू जहां भी हो वहां दर्शन करिए, आपके शिव का बुलावा आ गया, आपके घर में सीधे सीधे गेहूं के ऊपर इतना बड़ा त्रिशूल प्रकट हुआ है और त्रिशूल रखा हुआ है, साक्षात त्रिशूल, ये नहीं कोई आकृति बन जाए, त्रिशूल उसमें से निकला है। तो ये हमारे शिव डंडा मार के बुला लेते हैं। फिर मैं भाग के गया, सीधे लखनऊ गया, वहां से बंबई में बापू का सत्संग चल रहा था, मैं बापू के जाके दर्शन किया और बापू से निवेदन किया। और ये सब कुछ, ये तो उतना समय नहीं है बताने का, अगर मैं केवल अपना अनुभव बताने लगूं तो एक भागवत हो जाएगा, पूरा एक भागवत हो जाएगा, क्योंकि ये जितने बैठे हैं बापू ये सबके जीवन अनुभव से भरे पड़े हैं, मैं जानता हूं। जिसके जीवन अनुभव से भरे पड़े हाथ ऊपर करो, ये तो राकेश पहलवान की बात सबको माननी पड़ेगी, मेरे प्रभु सच्ची बात है भाई। अब राजीव तोमर को अनुभव कराऊंगा, वो भी पूरी एशिया में पहलवानों को ललकारते हैं, मैं उनको ललकारता हूँ, चलो कैसा चमकाता हूँ। और भी ये आपकी कृपा है प्रभु जी, ये हम लोगों की बहुत दिन की इच्छा पूरी हो गई कि बापू, हम बहुत सोचते थे कि कैसे कुश्ती कहीं होगा तो कैसे बापू को हम कहेंगे, कैसे आएंगे बापू का, हम जानते हैं कि एक क्षण कितना कीमती है। हम लोगों की प्रार्थना बापू ने सुनी है, बापू कुश्ती देखेंगे 9 तारीख को, आप लोग देखेंगे आपके सामने बड़ी अच्छी रोचक कुश्तियां होंगी, देश भर से पहलवान आएंगे उसमें, और मनोरंजन भी होगा, एक स्वस्थ मनोरंजन जिसको कहते हैं स्वस्थ मनोरंजन होगा, आपको उन पहलवानों को देख करके प्रेरणा मिलेगी। हर माँ बाप हर साधक चाहेगा कि हमें अपने बच्चों को व्यायाम कराना चाहिए, मैं नहीं कहता कि पहलवानी कराइए, आप उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाइए, लेकिन नहीं पहलवान भी बने, थोड़े पहलवान भी होते रहे। अब तो इतना पहलवानी का भविष्य हो गया बापू के कृपा से कि हाई स्कूल पास पहलवान डिप्टी एसपी, डायरेक्ट डिप्टी एसपी भर्ती हो रहा है, और कितना आप चाहेंगे देख लो। और वह सब भी पहलवान, अगर इसके बाद वाली बापू अगर अनुमति स्वीकार करेंगे हम लोगों का निवेदन, तो वह सारे भी आएंगे उस कार्यक्रम में, अगले कार्यक्रम में हम लोग चाहते हैं बापू के अवतरण दिवस पर अगर बढ़िया कार्यक्रम बापू अनुमति देते हैं तो उसमें जो भी देश के जिनका भी आप नाम सुनते हैं ओलंपिक में और कहां कहां, वो सब आएंगे बापू के यहां पर, प्रदर्शन करेंगे, बापू का आशीर्वाद लेंगे और अपना और अपने अभी से दंड बैठक चालू कर दे और दूध पीना चालू कर दे। बापू आप तो अंतर्यामी है बापू, आप तो सब कुछ सोच के किए हैं, हम लोग जानते हैं कि बचपन से पहलवानी करने का, व्यायाम करने का कितना आनंद होता है, कि जिस गांव में अखाड़े चलते हैं उस गांव की बहन बेटियों की तरफ की बुरी नजर उठाने की किसी की हैसियत नहीं होती है। देख लो वो बच्चे शराब नहीं पियेंगे, पुकार नहीं खाएंगे, अपने शरीर को की चिंता जहां होगी वो अपने आप हर गलत आदतों से छूटते जाएंगे, और पढ़ाई में भी वो नंबर एक होंगे, क्योंकि जो पुरानी कहावत थी कि पहलवान मोटी बुद्धि के होते हैं ये अंग्रेजों के जमाने की है, लेकिन दुनिया का जो सबसे बड़ा पहलवान हुआ अलेक्जेंडर मेदवेद, ओलंपिक का 3 ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट 12 साल का रसिया का, वो इंजीनियर था और वो ये कह के पहलवानी छोड़ा
कि जब दुनिया में हमारी कोई जोड़ नहीं है तो मैं और लोगों को मौका देता हूं, मैं कुश्ती छोड़ता हूं अब। और आज भी देख लें जितने भी अपने देश में हुए, पंडित मदन मोहन मालवीय जी बीएचयू हिंदू विश्वविद्यालय के गेट पर लिखा हुआ है, और उनका तो ये नारा था कि ग्राम ग्राम में मल्लशाला, उसके बाद प्राइमरी पाठशाला, हर गांव में पहले व्यायामशाला होनी चाहिए, उसके बाद पाठशाला होनी चाहिए। और ये जितने हमारे महापुरुष हुए हैं, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिनको किताबों में पढ़ते हैं, वो इतने बड़े पहलवान हुए कि वो छोटे गामा तक को हरा चुके हैं। और बहुत सारे प्रोफेसर शांति प्रकाश आत्रे बलरामपुर डिग्री कॉलेज के, वो तो ये उस जमाने में पढ़े लिखे लोग होते ही नहीं थे, 10 गांव के बीच में एक व्यक्ति तो कोई चिट्ठी लिखने वाला होता था, पढ़ने वाला होता, तो लोग जाते थे दूसरे गांव में। और आज के सारे पहलवान पढ़े लिखे हैं, सारे ग्रेजुएट के नीचे कोई नहीं, सारे अधिकारी हो रहे हैं। हम लोग भी रेलवे में अधिकारी थे स्पोर्ट्स कोटे में, लेकिन ये तो गुरु जी की कृपा थी कि एक झटका लगा, चल समाज सेवा कर, सब छोड़ हटा, नौकरी तेरे बस की बात नहीं है। ये हमारे गुरु भगवान की असीम कृपा है जिसका भला सबके ऊपर, बापू तो सबकी भला चाहते हैं, किसी का ऐसा नहीं चाहते कि किसी का वो हो, बापू तो सबको कहते हैं। और बताएं कि बापू के कहने के बाद जब मैं पहला, अभी मैं दिल्ली में ही था तो हमें जब पता चला कि स्वीकृति मिल गई है, मैं सबसे पहले भारतवर्ष के सबसे प्रसिद्ध सबसे बड़े ऐतिहासिक अखाड़ा, सभी पढ़े लिखे लोग सुने होंगे, गुरु हनुमान अखाड़ा दिल्ली, गुरु हनुमान अखाड़ा दिल्ली, यह सबसे बड़ा, सतपाल से लेकर जितने बड़े पहलवान हुए हम सारे लोग वहीं पर जोर करते थे। और राजीव तोमर, महासिंह राव जितने भी आ रहे हैं ये सब उसी अखाड़े के हैं। महासिंह राव जी को भारत के राष्ट्रपति ने द्रोणाचार्य अवार्ड दिया है, उन्होंने उनको मैं एक पुस्तक दिया है मातृपितृ पूजन का, कहा राकेश तुमने तो हमारी आंखें खोल दी, ये बापू जी की पुस्तक, और वो उन्होंने लिख के दिया है, कहा कि हर 14 फरवरी को हमारे अखाड़े के सारे पहलवान गुरु हनुमान जी का पूजन करेंगे और उनका वो मनाएंगे, क्योंकि हमारे वही माता पिता और सब कुछ हैं। क्योंकि अगर हमें प्रेम करना है तो जो हमको कुछ देता है, जैसे माँ बाप बचपन से देते हैं, पैदा करने के बाद से जिंदगी भर देते हैं, कोई उनका अपेक्षा नहीं होती, उसी प्रकार गुरु हनुमान ने अखाड़े के सारे बच्चों को दिया है। उस अखाड़े की इतना महात्मा रहा है कि जो उस अखाड़े में रहा, साल दो साल भी पहलवानी किया, नहीं भी बड़ा पहलवान हुआ, तो वो किसी न किसी लायक निश्चित होता था और उसको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती थी। तो एक साधना स्थली, तपोस्थली थी उस अखाड़े में, भगत सिंह से लेकर के और ऐसे ऐसे लोग वहां पर जोर करते थे। बहुत सारे वो गुरु हनुमान जी, चूंकि हमारे 100 साल की अवस्था में उनका निधन हुआ था और वो आर समाजी थे, भगत सिंह वगैरह को रखने के नाते अखाड़े में कितनी बार अंग्रेज सरकार ने उनके ऊपर कमरे में बंद करके जोंक चिपका दिए थे, वो बहुत तपस्वी व्यक्ति थे और उन्हीं का आशीर्वाद है। हम तो उन्हीं का वो मानते हैं कि गुरु हनुमान का, हमारे परम पूज्य देवराहा बाबा का की कृपा है कि हमें इतने बड़े साक्षात शिवावतार सदगुरु के चरणों में हमको भेज दिया, ये हमारे उन्हीं महापुरुषों की कृपा है, ये असीम कृपा है हमारे। बापू जी ये बहुत बड़ा, ये एक तरह से कह लीजिए कि देश के युवाओं पर, जिस प्रकार मातृपितृ पूजन दिवस की बात है कि इधर से ध्यान हटा करके वैलेंटाइन डे से, और इसका कोई विरोध नहीं करना, इधर हमको ये करेंगे, विकल्प बढ़िया होना चाहिए, सभी लोग उसको सर माथे पर ले रहे हैं। उसी प्रकार से व्यायाम के प्रति जब अभिरुचि पैदा हो जाएगी तो निश्चित ही हमारे देश का नौजवान स्वस्थ बनेगा, बलवान बनेगा, चरित्रवान बनेगा, इस देश को नसबंदी और इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी, इस चरित्रवानों की फौज खड़ी करेंगे बापू, देश में चरित्रवान नौजवानों की फौज खड़ी करेंगे बापू, बापू की नसबंदी की आवश्यकता नहीं, बहुत है, इतना बहुत है। हरिओम हरिओम हरिओम, कॉन्डम की आवश्यकता, नसबंदी की आवश्यकता, ऑपरेशन की आवश्यकता, भगवान ने हमें ये सफलताएं दी। अगर कठिनाई आ गई और विफलता आ गई तो ये भगवान की कृपा है कि हमें मायावी संसार से बचाना चाहते, हमारी गलती खोजने का अवसर देते, बदलने और मिटने वाले संसार से अपनी आसक्ति मिटाने की सुव्यवस्था है प्रभु की।
दुख आता है तो वो समझते हैं कि भगवान हमारा शुद्धिकरण कर रहे हैं कृपा से, और सुख आता है तो समझते हैं कि भगवान हमारा प्रोत्साहीकरण कर रहे हैं। तो जिनको सत्संग मिलता है वो दुख के भोगी नहीं बनते हैं, दुख का उपयोग कर लेते हैं। सुख के भोगी नहीं बनते, सुख का उपयोग करते हैं। जो सुख का उपयोग करता है वो आनंद को प्राप्त करता है, जो दुख का उपयोग करता है वो दुख हरी हरी में विश्रांति पाता है। नजरिया है तीन, एक तो पुरुषार्थवाद, दूसरा प्रारब्धवाद और तीसरा भगवतवाद। पुरुषार्थवाद, प्रारब्धवाद जूझते जूझते थका देता है, लेकिन भगवतवाद हर हाल में मस्त कर देता है। वाह वाह, वाह। रहीदास को जेल में डाल दिया तो कहता है वाह, अब कुछ नई लीला रचना है आपको। मुसलमान पीर को भेजा मुझे मुसलमान बनाने के लिए, अब तूने मुझे ऐसी प्रेरणा दी कि मेरा सत्संग सुनकर वो हिंदू बन गया, हाँ मेरा चेला बन गया, फिर लोदी तिल मिलाया और मुझे समझाया, प्रलोभन दिया, और मैंने कहा मैं तेरी बातों से दबूंगा नहीं, तेरे प्रलोभनों में आऊंगा नहीं, चाहे कृपाण की धारा चला दो बोझो। खुदा कलाम, खुदा कलाम कुरान बताओ, फिर क्यों जीव मार कर खाओ। रोजा रखते और फिर मुर्गी मारते, बकरे काटते। खुदा नाम बलिदान चढ़ाओ, सो अल्लाह को दोष लगाओ। दिन भर रोजा नमाज गुजारे, संध्या समय पुनः मुर्गी मारे। भक्ति करे फिर खून बहावे, पामर किस विधि दोष मिटावे। जिसमें जीव हिंसा लिखी वह नहीं खुदा कलाम। दया करे सब जीव पर सोई अहले इस्लाम। निराकार तुम खुदा बताओ, कुरान खुदा का कलाम ठहराओ। खुदा तो निराकार है और कुरान खुदा का कलाम है, ये बता रहे हो। जब निराकार है तो कलाम कैसे आ गया? कलाम कहे तो बने साकारा, फिर कहां रहा खुदा निराकारा। ऐसी तात्विक बात सुना दी मोहम्मद लोधी ने, प्रलोभन दिए, ठुकरा दिए, आप ठुकरा दिए रहीदास ने। वेद धर्म है पूर्ण धर्मा, वेद अतिरिक्त और सब भरमा। वेद धर्म की सच्ची रीता और सब धर्म कपोल प्रतीता। वेद वाक्य उत्तम धर्म, निर्मल वा का ज्ञान। यह सच्चा मत छोड़कर मैं क्यों पढूं कुरान। श्रुति शास्त्र स्मृति गाई, प्राण जाए पुनि धर्म न जाए। कुरान वही सत्य न चाहिए मुझको हूर हजार। मुझे बिस्त भी नहीं चाहिए और हजारें वैश्याएं हूरे नहीं चाहिए। तुम ये करोगे तो तुमको बिस्त मिलेगा, हूरे मिलेगी, शराब के चश्मे मिलेंगे। एक दो बोतल शराब की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है तो शराब के झरने, एक दो हूर मिले तो आदमी बेचैन हो जाता है, तो हजारें हूरे मिलेगी। ये आपका प्रलोभन वाला धर्म मुझे नहीं चाहिए। जो गल चले कटार, वेद धर्म है पूर्ण धर्मा। मेरे सिर पर तुम मेरे को धौंस देते हो तो मेरे सिर पर तुम कटार चला दो, फिर भी मैं अपना संस्कृति नहीं छोड़ूंगा। एक होती है संस्कृति, दूसरी होती है सभ्यता। सभ्यता बुद्धिजन्य होती है, बुद्धि से उपज है, और संस्कृति जैसे सूरज किसी के बुद्धि की उपज नहीं है, समुद्र किसी के बुद्धि की उपज नहीं है, धरती किसी के बुद्धि की उपज नहीं है, वो सनातन संस्कृति है, सनातन सत्य है। ऐसे ही हमारा वेद धर्म संस्कृति है, इसलिए हम अपनी संस्कृति वेद धर्म नहीं छोड़ेंगे। धर्म करी कल्याण, मिटावे भरमा। धर्म हमारा कल्याण करता है, भरम मिटा देता है। शरीर मैं हूँ,
दुख सुख सच्चाई ये भ्रम मिटा देता है। मैं आत्मा हूँ, दुख सुख आता जाता है, स्वप्न है, उसको जानने वाला चैतन्य अपना है, ऐसा सत्य सनातन वेद है। ज्ञान धर्म मर्याद, जो ना जाने वेद को वृथा करे बकवाद। मैं नहीं दबूं बाल गंवारा, गग त्यागूं बहु ताल किनारा, प्राण तजूं पर धर्म न देऊं, तुमसे शाह सत्य कह देऊं, चोटी शिखा कबहू न त्यागूं, वस्त्र सामान देह भले त्यागूं, कंठ कृपाण करो प्रहारा, मेरे कंठ पर तुम्हारे कृपाण का भले प्रहार करो, चाहे डुबाओ सिंधु मझधारा। अरे जैसा सुनाया तो तिल मिला गया लोदी। जाओ इस काफर को, हाथ में हथकड़ियां पैर में जंजीरें डालकर जेल में डाल दो। जेल में आए लेकिन भगवतवादी थे, वाह प्रभु, प्रलोभन भी खूब दिलाए और उसको सत्संग भी खूब दिलाया और उसके द्वारा पैरों में जंजीरें हाथों में हथकड़ी, न जाने क्या क्या तेरी लीला है। बाहर से तो देखा जाए तो पूरा दुख है लेकिन अंदर से भगवतवाद के कारण बड़ी शांति। ये तो भगवत शांति में सामर्थ्य आता है। यहाँ तो भगवत शांति और भगवान की लीला मानकर जेल में भगवान से बातें कर रहे और वहां मोहम्मद लोदी को दिख रहा है, अरे सिकंदर लोदी को, अरे रहीदास, मुंह घुमाए, रहीदास इधर घुमा, रहीदास 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 रहीदास। पागलों की नाई भटकता भटकता सांझ हुई, रात हुई, बड़ी बेचैनी हुई, नींद नहीं आए, अला बांधू बला बांधू, टूना टोटका धागा, मोर पंख टूट मैं फूका फांकी सब कर दी। क्या कर रहे हैं कृष्णाणी, क्या कर रहे हैं? किसी ने सलाह दी कि ये संत को सताया है, भगवान नाराज हुए, इसीलिए ये रहीदास 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 का आत्मा और भगवान का आत्मा एक हो गया है अल्लाह का, इसलिए रहीदास रहीदास दिखाई देते, उन्हीं की दुआ से तुम्हारा दुख मिटेगा। रहीदास को बाइज्जत बुलाया गया और रहीदास को मोहम्मद सिकंदर लोदी ने मुझे बख्शो फकीर, मुझे बख्शो फकीर। तब रहीदास कहते हैं दंड भी दिला देता है और फिर उनसे माफी भी दिला देता है, तेरी कैसी लीला है प्रभु, तू क्या क्या करता है, अकेला तू बैठे बैठे बोर हो जाता होगा, कैसे कैसे इतिहास रचवाता है। पुरुषार्थी को सफलता मिलती तो अहंकार होता, विफलता मिलती तो विषाद होता, लेकिन रहीदास को सफलता मिली तो प्रभु की लीला है, विफलता मिली तो प्रभु की लीला है, और महासफलता मिली तो प्रभु तो क्या क्या तेरी अनोखी लीला है। तो आप तीन नजरियों में से एक नजरिया अपना बना लो, मैं पुरुषार्थी हूं ऐसा करूं, मैं प्रारब्धवादी हूं ऐसा करूं, अथवा मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। तो पुरुषार्थ तो रहेगा, प्रारब्ध का सहयोग वियोग रहेगा, लेकिन भगवान की प्रधानता से आपका चित्त और आपकी मति भगवतमय हो जाएगी। बहुत सुंदर तरीका है भगवान के साथ एक होना, भगवतमय मति कर लो। जैसी मति होती है ऐसी गति होती है, जैसी नजरिया होती है ऐसा ही दिखता है। पशुओं का मार्केट लगता है ना, मेला लगता है, तो कसाई सोचते हैं कि 12 किलो माल है, चमार सोचते हैं कि 6 फीट माल है, और बकरे के बाल बाल वाले समझते हैं कि 250 ग्राम माल है, और जो दूध के लिए बकरी लेते हैं वो समझते हैं कि 1.5 लीटर माल आएगा रोज, और भक्त बोलेंगे जीव आत्मा है, और संत बोलेंगे ये प्रकृति का शरीर है, परमात्मा की लीला है। बकरे तो वही के वही, नजरिया कैसी है, नजरें बदली तो निजारे बदले, किश्ती ने बदले रुख तो किनारे बदले। तो आप अपनी नजर में
तात्विक नजर ले आओ, भगवत भाव की नजर ले आओ, समता की नजर ले आओ, तो आप जब भजन करेंगे तो भजन होगा, लेकिन जब भी व्यवहार करेंगे ना तो व्यवहार भी भक्तिमय हो जाएगा। मैंने सुनाई है कई बार ये घटना कि किसी मंत्री ने सत्संग सुनते सुनते अपनी नजर भगवतमय कर ली। वो मंत्री राजा का खास प्यारा था। राजा को किसी ने चमचमाती तलवार दी, तो तलवार की धार देख रहा था अपनी उंगली से। कबूतर उड़ा तो राजा को जरा जरकाई, उंगली का आगे का हिस्सा थोड़ा सा जैसे आलू का चिप्स कटता है ऐसे वो कट गया। तो मंत्री हंस पड़ा, वाह अच्छा हुआ, भगवान जो करते हैं ना अच्छे के लिए भले के लिए। ऐ तुम मेरा मंत्री होकर मेरा उंगली कट गया अच्छे के लिए भले के लिए, क्या करता है क्या बोलता है? बोले अच्छा हुआ भला हुआ, भगवान जो करते हैं ना ये तो भगवान की लीला है, अच्छा हुआ। अरे इसको जेल में डाल दो। वो कागजात बना के आए कि इसको सेकंड क्लास जेल में डालें कि फर्स्ट क्लास में डालें कि एकदम तीसरे क्लास में। बोले कहीं भी धकेल दो, हटाओ यहां से। अच्छा हुआ भला हुआ, अब जेल में जा तो पता चलेगा। तो मंत्री हंसता है, वाह अच्छा हुआ भला हुआ अच्छा हुआ, जो करता है अच्छे के लिए भले के लिए। राजा का तो कुछ दिन में वो उंगली ठीक हो, टुकड़ा हिस्सा कट के बाकी का हिस्सा ठीक हो गया, उंगली थोड़ी छोटी हो गई नाटी। शिकार खेलने गया और काला हिरण बड़ी मुश्किल से दिखता है, काले हिरण के पीछे घोड़ा भगाया, हिरण को तो प्राण बचाने 9-2-11 हो गया। राजा तो सीधा भागता भागते दूसरे जंगल में चला गया, 2 दिन भटक गया। वहां के जंगली लोगों ने पकड़ दिया, उनको कोई पर्व था उत्सव था उसमें बलि चाहिए थी, और देखा कि बलि तो दे लेकिन उनके जो गौर महाराज थे उन्होंने कहा देखो इनका अंग तो खंडित नहीं है, बोले उंगली कटी हुई है, बोले छोड़ दो उसको ये काम में नहीं आएगा। राजा को हुआ कि अच्छा हुआ उंगली कटी, नहीं तो सिर कट जाता, अच्छा हुआ भला हुआ मंत्री की बात अभी मुझे महत्वपूर्ण लगी। अपने राज्य में आकर पहला आदेश दिया कि मंत्री को बाइज्जत ले आओ। मंत्री से पूछा कि अच्छा हुआ भला हुआ उंगली कटी तो मेरा सिर बच गया, लेकिन तू जेल में जा रहा था तो तेरा क्या अच्छा हुआ भला हुआ? मुझे जेल में एकांत मिला, थोड़ा विश्राम मिला, विश्राम से संकल्प शक्ति बढ़ती है, बुद्धि खुलती है। विश्राम माना आलस्य नहीं, भगवान का नाम उच्चारण करके शांत होना ही विश्राम। तो कुछ विश्राम मिल गया तो मेरे लिए तो जेल भी मंदिर हो गया था। अगर मैं आपके साथ आता तो मैं तो आपका छाया पुरुष, आप हिरण के पीछे आपका घोड़ा दौड़ा तो मैं भी आपके साथ दौड़ता, हम दोनों उलझ जाते। तुम्हारी तो उंगली कटी हुई देखकर तुम्हें तो छोड़ देते, मेरा नारियल बदेर देते, अच्छा हुआ भला हुआ। जेल में जाना भी भला हुआ, आपकी उंगली कटना भी भला हुआ, क्योंकि ईश्वर वही है जो कभी मरता नहीं है, जो सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है और हमारा मंगल ही चाहता है। जैसे माँ बच्चे का मंगल चाहती है, बच्चे को अच्छा नहीं लगता फिर भी मसल मसल के साबुन लगा देती है, गर्म पानी से नहला देती है, नाक पोंछती है, शरीर को रगड़ती है, पकड़ के हाथ उंगली स्कूल ले जाती है, दवा पिलाती है। वो बच्चे को कतई अच्छा नहीं लगता फिर भी माँ उसके दोष हरण करती है, हाँ गुण का भरण करती है, हिनांग की पूर्ति करती है। जो कमी है काला है तो उसको जरा रंग रोगन लगा देती है, और सुंदर है तो जरा टीला टपका कर देती है, सुंदर है तो काला टीला कर देती है। तो हिनांग पूर्ति, दोष भरण, दोष हरण, गुण भरण, ये सब माँ करती है, बच्चे को अच्छा नहीं लगता तब भी। ऐसे ही भगवान हमारे दोष मिटाने के लिए दुख देते हैं, विघ्न बाधा देते हैं, और चतुर बनने के लिए, होशियार बनने के लिए, सदाचारी बनने के लिए सत्संग भी देते हैं, शास्त्र ज्ञान भी देते हैं, अपना नाम भी देते हैं, स्वप्ने में प्रोत्साहन भी देते हैं, गुरु की कृपा भी देते हैं, तो हिनांग पूर्ति भी करते हैं।
अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो आज हम आप इधर इतनी देर बैठ भी तो नहीं सकते। ये भी तो भगवान की कृपा से भगवत चर्चा सुन रहे हैं, बैठते हैं, ये उनकी कृपा नहीं है क्या? नहीं तो इतना समय इधर उधर भटकते तो समय खराब होता, पुण्य नष्ट होते, आदत बिगड़ती। अभी तो आदत भी सुधर रही है, समय भी सार्थक हो रहा है, पुण्य भी बन रहा है, ज्ञान भी बढ़ रहा है, ये भगवान की कृपा है ना। तो सूझबूझ देकर अथवा विघ्न बाधा देकर हमारा मंगल करते, वाह वाह प्रभु, अच्छा हुआ भला हुआ, अच्छा हुआ भला हुआ। तो इस प्रकार जिसकी नजरिया है उसको संसार बोझिला नहीं लाता। भगवान का प्रेम जागृत करने के लिए जीवन में श्रद्धा हो, साधु का संग हो और भगवत भजन हो, भगवत सुमरण हो, इससे अनर्थकारी आदत बिगाड़ वाली आदत हट जाएगी, भगवान में प्रीति होने लगेगी, भगवत शांति और भगवत ज्ञान, भगवत सत्संग में रुचि होने लगेगी। तो जिसकी भगवान में प्रीति नहीं है उसकी तो गड़बड़ियों में प्रीति बहुत होती है। जो कल नहीं आए थे सुन लेना, 17 फरवरी को रविवार की सप्तमी है, सूर्योदय से लेकर दोपहर 12:48, ये आरोग्य का मंत्र जपोगे तो आप निरोग हो जाओगे। इसको अचला सप्तमी भी बोलते हैं। सूर्य ग्रहण के समान इसका स्नान, जप, दान अक्षय फल देता है। अगर 17 फरवरी आपने कोई गुरु किया है और उस गुरु का मानसिक पूजन करते हैं, गुरु को तिलक करते हैं, ध्यान करते हैं, गुरु का दर्शन करते हैं, मानसिक रूप से गुरु का पूजन करते हैं, तो संपूर्ण माघ मास स्नान करने का फल और सुख सौभाग्य की वृद्धि आपके जीवन में होती है। ब्रह्म पुराण में ये लिखा है, ये शुक्ल पक्ष की सप्तमी रविवार का योग, इसको विजय सप्तमी भी बोलते हैं। स्नान, दान, तप, होम, उपवास भयंकर पापों को नष्ट करके मनोवांछित फल की और मनोवांछित लोक की, मनोवांछित ज्ञान की प्राप्ति कराने में ये 17 फरवरी महत्वपूर्ण दिवस है। और 21 फरवरी जया एकादशी, उस दिन व्रत करने वाले को ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिल जाती है और पिशाचत्व से रक्षा होती, वो पिशाच नहीं बने, और प्रेत योनि में जो भटक रहे उनके लिए भी ये एकादशी का व्रत अर्पण करने से उनकी भी सदगति में मदद होती। 22 फरवरी वराह भीष्म तिल द्वादशी है, वराह भीष्म तिल द्वादशी, उस दिन 6 प्रकार का तिल का उपयोग करना चाहिए। पानी की बाल्टी में थोड़ा तिल डाल दे अथवा थोड़े से लोटे में तिल डाल के पहले उसका स्नान करें, तो स्नान में तिल, भोजन प्रसाद में तिल, हवन में तिल, दान में तिल, भोजन में तिल और उपटन जैसे जाओ तिल, गेहूं, चावल, चना, उड़द, मूंग, ये 7 धानों से उपटन बना के स्नान करने से 100% फायदा होता है। पाप तो नाश होते, प्रसन्नता भी होती और स्वास्थ्य की रक्षा भी होती है। साबुन से, शैंपू से स्नान करना हितकारी नहीं, इतना 1% फायदा होता है, मैल कटता है, लेकिन उतना ही नुकसान होता है उसके केमिकल रोम कुक को और सिर के ज्ञान तंत्रों को और बालों की जड़ों को कमजोर कर देते। उपटन से नहाने से 100% फायदा होता है, साबुन से, शैंपू से नहाने से 1% भी फायदा नहीं होता। तो 22 फरवरी उपकन स्नान, तेल, तिल के तेल का दीपक जलाना, तिल का दान करना, तिल खाना, तिल मिश्रित जल सूर्य को अर्घ्य देना, ये सब पुण्यदायी माना जाता है। पूरा माघ मास सभी तिथियां पर्व मानी जाती है और सभी जल गंगा जल माना जाता है। और तुम तो प्रयागराज में हो, गंगा जल तो न चाहते हुए भी तुम्हारे को तो गंगा जी का दर्शन, गंगा जी का स्नान आदि मिलता है। 23 फरवरी से 25 फरवरी 3 दिन आखिरी माघ शुक्ला त्रयोदशी से पूर्णिमा तक
स्नान व्रत पूर्ण मास के पुण्य कर्म का फल देता है। तो 23 से 25 फरवरी अभी तो आज तो है 7, 12 फरवरी को विष्णुपदी संक्रांति है। 12:53 से सूर्यास्त तक पुण्य काल है 12 फरवरी का। आज 7 फरवरी, 12 फरवरी, 17 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23, 24 और 25 फरवरी, ये भगवान की प्रीति के लिए करो, चाहे संसार की सुविधा के लिए करो, आरोग्य के लिए करो, जिस भाव से तुम भजन करोगे, व्रत करोगे, उसका ही फायदा मिलेगा। आज तो मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ा ध्यान का प्रसाद पाओ। अभी जो सुना जीभ तालू में लगा दो। 12 फरवरी, 17 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23, 24, 25 फरवरी, उन दिनों का फायदा उठाएंगे, जल्दी स्नान आदि करेंगे, जब ध्यान आदि करेंगे। अभी चुपचाप बैठे, श्वास अंदर गया उसमें भर दो ओम, श्वास बाहर गया गिनती, श्वास अंदर गया शांति, बाहर आया गिनती, श्वास अंदर गया आनंद, बाहर गया गिनती। 50-100 की गिनती करो। गिनती में मन लगेगा तो भी मन एकाग्र होगा। आंख की पलके न गिरे ऐसा थोड़ा बहुत, 1 मिनट इधर देखोगे तो भी मन एकाग्र होगा। होठ बंद करके ऊपर के दांत, ऊपर नीचे के नीचे, बीच में थोड़ा खुला रखे, जीभ बीच में रखोगे तो भी मन एकाग्र होगा। सारी तपस्याओं में एकाग्रता परम तप मानी गई है। मन इधर उधर कहीं जाता हो तो बीच में मैं हरिओम का गुंजन कराऊंगा। हरि ये 2 शब्द का भी कोई उच्चारण करता है तो शास्त्र कहते हैं ये वदन्ति नरा नित्यम हरि इति अक्षरम द्वयम् तस्य उच्चारण मात्रेण विमुक्तस्तेन संशयः। जो मनुष्य हरि इस 2 अक्षर वाले नाम का सदा उच्चारण करते हैं वे उसके उच्चारण मात्र से मुक्त होने लगते हैं विकारों से, चिंताओं से। और हरि में जब ओम मिला दिया तो कहना ही क्या। चार चीजों से जीवन शुद्ध होता है। समय का सदुपयोग करें, जीवन शुद्ध रहेगा। सादगी से जिए, जीवन शुद्ध रहेगा। बुद्धिमानी से कार्य करें, जीवन शुद्ध रहेगा। पराया हक न छीने, जीवन शुद्ध रहेगा। समय का सदुपयोग, सामग्री का सदुपयोग, जानने योग्य वस्तु को जाने, सामर्थ्य का, सामग्री का, समझ का और ज्ञान का, समय का सदुपयोग जीव को उन्नत करता है। ये सब सामर्थ्य, वस्तु, समय सब भगवान की और भगवान को अर्पण करने से जीवात्मा की बुद्धि भगवतमय हो जाती। अच्छा हुआ, भला हुआ, कर्म योग बन जाता है।
ईश्वर दृष्टि बनाने में मदद करता है। भोगों की आसक्ति ने मुझे यही मिलना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वही अच्छा है, ये नियम प्रभु का है। वाह वाह प्रभु वाह, अच्छा हुआ, भला हुआ। जो अभिमान त्याग करते हैं उनका स्वभाव सुधरता है। जो आदर की गुलामी, आदर की वासना नहीं रखते, विशेष विलासिता नहीं करते और पर हित में लगे रहते हैं, दूसरे का भला चाहते, किसी को बुरा नहीं चाहते, किसी का बुरा नहीं करते, उनका स्वभाव सुंदर हो जाता है। जो झूठ बोलते हैं जरा जरा बात, कपट करते, अभिमान करते, अपनी हेकड़ी बहाते, अपनी बात में अड़े रहते हैं संसारी वास्तव में, उनका स्वभाव तुच्छ हो जाता है। सत्संग से स्वभाव सुधरता है, सत्शास्त्र से स्वभाव सुधरता है, सद्विचार से स्वभाव सुधरता है। जिससे भगवान में विश्रांति पाने से स्वभाव दिव्य होता है। रे ओ शांति माधुरी सच्चिदानंद स्वरूप सत सदा रहता है, आप सदा रहते हो, शरीर सदा नहीं रहेगा फिर भी आप सदा रहते हो, आप चेतन रूप हो, बुद्धि में आपकी चेतना, मन में शरीर में आप ही की चेतना, आप आनंद स्वरूप हो, अनुकूलता में आपकी एक किरण आती है, सुखाकार वृत्ति होती है, और उच्चारण करते तो आपकी वह शांताकार, सुखाकार और शांताकार, परम सत्ता में हम शांत होते हैं। आप गोविंद हो, गोमाना इंद्रियां, इंद्रियां आपकी सत्ता से विचरण करती, शास्त्र वचन के अनुसार आप गोपाल भी हो,
इंद्रियां घूम घाम के थकती और रात्रि को इंद्रियां मन में मन बुद्धि में और बुद्धि आप में आती है तो विश्रांति पाती है, उनका पालन होता है, थकान मिटती है, आप गोपाल भी हो, आप राधा रमण हो। राधा उल्टा दो तो धारा, ख्यालों की धारा आपकी सत्ता से रमण करती है, जैसे तरंग पानी की सत्ता से रमण करते, ऐसे सारे ख्याल आप ही की सत्ता से रमण करते हैं। ख्याल पैदा हो कि मिट जाते, फिर भी आप अमिट हो और मेरे आत्मदेव हो। वो शांति, ओम ओम माधुर्य, ओम ओम प्रभु जी। जीभ तालू में लगी रहे और मैं बोलूं आप मन में दोहरा सके तो दोहराओ, नहीं तो उसमें होते जाओ। शांति, ओम आनंद, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी, ओम। गहरा श्वास लो, उसमें ओम स्वरूप ईश्वर को भरो। श्वास रोको, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, भगवान सत है, चित है, आनंद स्वरूप है, मेरे अंतरात्मा है, कभी मरते नहीं, बिछड़ते नहीं, बेवफाई नहीं करते और हमारा अहित नहीं चाहते, उस भगवान का नाम ओमकार स्वरूप। वो भगवान ओमकार मंत्र के देवता है। मैंने कंठ से ये ओमकार मंत्र प्रभु के नाम का गुंजन किया है, और देवता तो कहीं होंगे लेकिन ये ओमकार मंत्र के देवता तो अंतर्यामी। फिर से मैं अंतर्यामी का नाम श्वास के द्वारा भरता हूं और कंठ से उच्चारण करूंगा मेरे प्रभु की प्रीति और प्राप्ति के लिए। आनंद, शांति, एकटक देखने से भी मन शांत हो, और श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो गिनती, श्वास अंदर जाए तो शांति, बाहर आए तो गिनती, इससे भी मन शांत होगा। और मन दौड़ धूप करता है, शांत नहीं होता, फरियाद मत करो, दौड़ धूप करता है तो करने दो, मैं उसको जानता हूं, मैं तो शांत हूं, मन भागता है तो भागो, मैं स्वयं तो शांत हूं, मन के भाग दौड़ को जानता हूं, उससे भी मन शांत होने लगेगा। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख कहा, शांतस्य कुतः दुखम, शांतात्मा को दुख कहा, जितात्मा को दुख कहा। कंठ से ले रहे नाम, मनो ओम, ओम मनो अंतरात्मा प्रभु मेरे में प्रभु का। Mm. Mm. Mm.
प्रभु जी प्यारे जी मेरे जी ओ अब होठों से दो मिनट जप करो ओम प्रभु जी ओम होठों से दो मिनट जप ये घर पे रोज करोगे थोड़े दिनों में बहुत सारी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी। गरम कपड़ा गरम आसन कंबल कारपेट प्लास्टिक विद्युत का कुचालक आसन ये जब करने से आध्यात्मिक बिजली बनेगी ओरा अर्थिंग मिलने से ओरा धरती में चली जाती है इसलिए अर्थिंग ना मिले विद्युत का कुचालक आसन मंदिर कितने भी बन जाए जब तक हृदय मंदिर में ले जाने वाला सत्संग नहीं मिलता। श्रीनाथ जी के मंदिर में हंसा नाम की लड़की जाती थी और दामोदर पुजारी उस लड़की को और ठाकुर जी के हीरे को चुरा के भाग गया। मल्भाचार्य ने तो ठाकुर जी को प्रकट करके दूध पिलाया लेकिन दामोदर लाल जी पुजारी और हंसा उसकी प्रेमिका ठाकुर जी के गहने चुरा के भाग गए। इसलिए हृदय मंदिर में जब तक ले जाने वाला सत्संग नहीं मिला तब तक मनुष्य जीवन की मधुरता का स्वाद ही नहीं आता बेकार हावी हो जाते। ओम आनंद ओम ओम प्रभु जी ओम दो मिनट होठों से जपो दो मिनट हृदय से जपते आनंद को उभारो शांति आनंद माधुर्य होठ बंद हृदय से ओम आनंद आनंद हंसी भी आएगी शांति भी माधुर्य प्रसन्नता बढ़ती जा रही मैं प्रभु का हूं प्रभु मेरे अपने बच्चों को सिखाओ कान में उंगली डाल दो बेटे बेटियां लंबा श्वास लो मैं प्रभु का हूं प्रभु मेरे हैं ऐसा मन में पक्का करो और ओमकार प्रभु का शक्तिशाली और रसमय नाम है। आनंद आ रहा है अच्छा लग रहा है। तीसरी बार पांचवी बार गहरा श्वास बड़ी शांति बड़ी प्रसन्नता अब हंसी भी आएगी। छठी बार लो श्वास ज्यादा शाबाश बच्चे बहादुर बुद्धिमान उद्यमी साहसी बनोगे। सातवीं बार गहरा श्वास और गहरा ओम अंतर्यामी प्रभु को प्यार से पुकार रहा हूं हंसी आएगी प्रसन्नता उभरेगी। आठवीं बार आनंद आनंद हो रहा है
नौवीं बार, दस बस करेंगे नौवीं बार, गहरा श्वास लो लो और लो और लो। अब दसवीं बार आखिरी, लो श्वास गहरा और गहरा और गहरा और ओम ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम आत्मदेवा, ओम ओम। ज्योत से ज्योत जगाओ, करेंगे रेलगाड़ी आएगी तब। अपनी जगह नहीं छोड़ना, अभी मैं टॉफियां नहीं बांटूंगा, तुम्हारे बीच रेलगाड़ी लेकर आऊंगा, वहां बीच बीच में खड़ी रखूंगा और तुम देखते देखते भगवत आनंद में, वाह प्रभु वाह गुरु में ध्यान में डूबते जाओ। कोई उठेगा नहीं, अपनी जगह छोड़ेगा। मधुरम मधुरे भ्योपी, भगवान मधुर से मधुर, पावन से पावन, मंगल से मंगलकारी। रेलगाड़ी जल्दी आएगी। ओम शांति, ओम आनंद। अब आरती जला सकते हैं।
लगाओ। गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर सारियो। चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको नाय। दीन दयाल को वेनती सुनो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत है तो है पिता तुरी लाज। हरि हरि ओ कबीरा, मांगे मांगना प्रभु दीजो मोहे दोय। संत समागम हरि कथा मोघर निश दिन होय। हरि हरि ओ साधक, मांगे मांगना
प्रभु दीजो मोहे दोय, बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो। हरि हरि ओ, तुलसी की गोली मुंह में डालो, जरा चस्का लो, जायका। आज जिसको बहुत अच्छा लगा, आनंद आया, तो हाथ ऊपर करो। एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए, एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में, पल में धन्य हो जाता जिसपे नजरिए डाले, पल में धन्य हो जाता जिसपे नजरिए डाले, इस जोगी से डर कर भागे दुखों के बादल काले, इस जोगी से डर कर भागे दुखों के बादल काले। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरि ओम हरि, हरि ओम हरि, प्यारे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि, हरि हरि हरि, मेरे गुरु हरि, मेरे गुरु हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। जोगी निखारे जोगी सवारे जोगी हमको तारे, जोगी निखारे जोगी सवारे जोगी हमको तारे, सुख दुख में जो नैया डोले जोगी लगाए किनारे, सुख दुख में जो नैया डोले जोगी लगाए किनारे। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी के द्वार पे बीती घड़ियां बन जाती है तपस्या, श्रद्धालु भक्तों के आगे टिके न कोई समस्या, श्रद्धालु भक्तों के आगे टिके न कोई समस्या। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। आंखों के तारे जोगी सबके ही उर्वासी, सबकी आंखों के तारे जोगी सबके ही उर्वासी, खुशियां ही खुशियां फैली यहाँ कहीं नहीं है देखो उदासी, खुशियां ही खुशियां फैली यहाँ कहीं नहीं है देखो उदासी। जोगी रे जो छू कर आती है जो
पावन ये हवाएं, जोगी को छू कर आती है जो पावन ये हवाएं, ये महका देती तन मन को महक जाती थी जाए, ये महका देती तन मन को महक जाती थी जाए, जोगी से ही तो खुशियों के दीप ये जग मगाए, जोगी से ही तो खुशियों के दीप ये जग मगाए, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में, सुगंधित अद्भुत लगती हमको है ये घड़िया, दिव्य सुगंधित अद्भुत लगती हमको है ये घड़िया, जोगी का दर्शन जब होता जीवन के पल बढ़िया, जोगी का दर्शन जब होता जीवन के पल बढ़िया, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में, तेरा प्यार खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया, तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया, दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी, दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जो